मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं ब्लॉग सर्कल यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो रहा है 5:11। आज हमने जाना है गुलबर्ग, वहां पे एक साइट है 14 किलोवाट। ये जो पीछे आपको चारदीवारी नजर आ रही है, इसकी अपडेट में भी दे देता हूं। देखें जितना मेरा कद है ना, इसके बिल्कुल बराबर चारदीवारी होगी है। तो इंटर भी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी इंटर है, इतनी ज्यादा नहीं है। और एक और ट्राली भी फेंकवाई थी, वो बाहर गली में पड़ी हुई है, अब वो छत पे लेके आनी है, तो उसके लिए टाइम चाहिए और टाइम है नहीं है। अभी हो गए 5:11। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होता हूँ और फिर हमने निकलना है। दरअसल पहले प्रोग्राम था 6 बजे का निकलने का, फिर हसन भी की कॉल है, यार अमार भी कह रहे हैं कि जल्दी निकलो, तो फिर जल्दी हम जाएंगे, जल्दी पहुँचेंगे। तो अभी फिर रेडी हो रहे हैं और 5:30 जो है मैंने निकलना है, पहुँचना है हसन भाई के घर। वहाँ से हसन भाई को उठाऊंगा और वहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद की तरफ, और वहाँ जाकर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। हाँ जी, तो मैं इस वक्त हूँ गुलबर्ग ग्रीन, धूप लग रही है आंखों में, गुलबर्ग ग्रीन सेक्टर बी में। ये आपको जो फार्म हाउस नजर आ रहा है, यहाँ पे शेड लगा हुआ है, और शेड अभी लगा नहीं है, शेड लगा रहे हैं। ये एक बंदा प्लेट लेके खड़ा हुआ है और मेरे साथ हैं हसन भाई, हम दोनों रावलपिंडी से आए हैं और 6:40 हो गए हैं और अभी शेड लगा रहे हैं। अभी शेड लगेगा तो फिर हम काम कर पाएंगे। तो हमने प्लान ये बनाया है कि हम जो है वो रूटिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको फार्म हाउस दिखाता हूँ। हसन भाई आप हमारे व्लॉग में आ रहे हैं, ये देखें जी, ये फार्म हाउस माशाल्लाह, ये अभी शेड लगा रहे हैं। हमें ये बताया गया था कि शेड लग चुका है, माशाल्लाह जी बहुत बड़ा फार्म हाउस है, ज़बरदस्त देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बाहर देखें, सारा एरिया ऐसी फार्म हाउस में आता है। और मैं दरअसल बाहर इसलिए आया था कि मुझे बतखें नज़र आ गई, ये चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको ये सारा हाउस, ये देखें, ये ऊपर शेड लगा रहे हैं, किधर गया शेड, शेड भी दिखाते हैं आपको। पहले मैं अंदर चलता हूँ, आपको फार्म हाउस दिखाता हूँ। जब भी बड़े घरों में, किसी बिल्डिंग में, फार्म हाउस में, कोठियों में काम लगता है तो बड़े लोगों का रोज़गार लगता है। जैसे ये फार्म हाउस है, इसका काम पता नहीं कितने साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में हो गया, हो रहा होगा। ये जितने भी मजदूर लोग हैं सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, सारों का जो क्या कहते हैं जी, रोज़गार लगा हुआ है। इन डब्बों में हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को सामान दिखा देता हूँ। ये हैं जी वायर्स, ये हैं अर्थिंग के लिए, साथ ये पड़े हैं थिम्बल, ये हैं श्राउड, और ये अर्थ वायर है, ये डीसी नेगेटिव और डीसी पॉजिटिव केबल टाइयाँ, और यहाँ पे बैंड्स वगैरह पड़े हैं, और सिलिकॉन पड़ी हुई है। ये सिलिकॉन है, ये सारे बैंड वगैरह हैं, टी है, बैंड है, एल्बो है, और टी भी बीच में होगी। सारा सामान कंपनी हमें सारा सामान कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है। मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ, शेड ढूंढने आया था, आप लोगों को शेड दिखा देते हैं। आउट क्लास व्यू है, अगर कैमरा मैं इस तरफ करता हूँ तो आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा, धूप की वजह से कैमरा सीधा धूप में लगेगा। सीढ़ियाँ हमने ढूंढ ली हैं ऊपर जाने के लिए, तो अभी ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बल्कि आप लोगों को शेड नज़र भी आ रहा है, ये और ये ऊपर जाके आपको वीडियो बना के आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ऊंचाई ज़्यादा हो तो अगर हमें मसला होता है, हमें सीढ़ी चाहिए होती है, फिर बेल्ट लाना पड़ता है लटकने के लिए, लटक के काम करना पड़ता है, तो थोड़े मसाइल मसूल होते हैं, लेकिन काम हो जाता है। मसले होते हैं लेकिन काम हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्या कहते हैं, ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है, आगे से 6 फुट है और मेरे ख्याल में पीछे से मुझे 10-1 फुट लग रही है। शेड लगा हुआ हमें मिल जाए तो सिर्फ रूटिंग पर टाइम हम लगाते हैं, थोड़ा बहुत लग जाता है। शेड के नीचे काम करने का अपना ही मज़ा है, और मतलब पक्का पकाया हलवा हमने खाना है सिर्फ। तो हम आ गए शेड के नीचे, अभी शेड वाले जो हैं वो शेड लगा के गए हैं, तो अभी हमारी बारी है। हम इंतज़ार कर रहे थे कब से कि ये काम ख़त्म करें तो हम स्टार्ट करें, तो उनकी तरफ से काम जो है वो मुकम्मल हो गया, अब हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है मैंने और हसन भाई ने। अभी हसन भाई अर्थिंग कर रहे हैं और मैं स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ, साथ साथ केबल टाइयाँ करूँगा, और इस तरह काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 3 स्ट्रिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाथ काले हो गए हैं। हाथ बजाना हसन भाई, हाथ इसलिए काले हो गए हैं क्योंकि पेंट अभी ताज़ा ताज़ा है। और काम की मैंने कहा अपडेट दे दूँ ब्लॉग के थ्रू। काम इतना मुश्किल नहीं है, आगे वाला सारा सीन हो गया है। केबल शेबल टाइम हमने कर दी है, कोने पे अर्थिंग भी हो गई है, ये नीचे अर्थिंग हसन भाई ने कर दी है, मेरे ख्याल सारी कर दी है। बस ये एक दो लाइनें रह गई हैं और तारें ख़त्म हो गई हैं, अब दोबारा और बनानी पड़ेंगी। बनाते हैं और फिर आपको अपडेट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टीम बहुत ज़्यादा हो गई है। हसनात भाई भी आ गए हैं, हसन भाई आ गए हैं, ज़रूर से ज़्यादा हो गया है। मतलब काम थोड़ा है और बंदे अवर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। ओन भाई हैं, साथ बिलाल भाई हैं और आबिद भाई की भी एंट्री हुई है हमारे साथ। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा काम जो है वो कम्प्लीट हो गया, अभी सिर्फ मेन डाल रहे हैं। और ये आपको नज़र आ रहे हैं हसनात भाई, फाइनली हसनात भाई और हसन भाई जो है वो मेन डाल रहे हैं और मेन की मतलब सेटिंग शेटिंग कर रहे हैं, मेन वायर्स पहुँचा रहे हैं जो कि यहाँ नीचे जा रही है, ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है वो फिनिश हो गया और अब सब निकल रहे हैं। और 12:40 हो गए हैं, 6 बजे आए, सुबह 6 बजे आए थे, सैरी करके सोए भी, सोया कोई भी नहीं है, आगे थे। ये आपको जो फार्म हाउस नज़र आ रहा है, इसकी छत पे शेड लगाना था तो शेड लग गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ कंप्लीट।